चंद्रावली सीलिंग ठेकेदार जो था उसे बर्खास्त किया गया। ये पूरा मामला क्या है जल्दी से आपको बता दें कि इस पूरे मामले में टोल रख रखाव और अनुपालन में चूक पर ये बड़ा एक्शन लिया गया। सृष्टि हमारी सहयोगी इस बीच हमारे साथ बनी, सृष्टि इस पर भी आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे। एमएसआरडीसी जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है रोडवे सॉल्यूशन इंफ्रा लिमिटेड का। अब इनकी जिम्मेदारी जो थी वो बांद्रावली सीलिंग में टोल कलेक्ट करने की थी, और न सिर्फ बांद्रावली सीलिंग बट मुंबई नागपुर जो महामार्ग बना है उसके रिलेटेड भी मेंटेनेंस के रिलेटेड एंड टोल कलेक्टिंग के रिलेटेड उनकी जिम्मेदारी थी। बात सामने ये आई है कि इन्होंने प्रॉपरली वो मेंटेन नहीं किया, इसी के चलते ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द किया गया। और एक बात जो सामने आई है कि उन्होंने जो टोल कलेक्ट करते हैं वो प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किए हैं, ना ही जो उसकी डायरीज होती है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं की है, और जो कंडीशंस उनके कॉन्ट्रैक्ट में थी वो उन्होंने प्रॉपरली फॉलो नहीं की है। इसी के चलते जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया है। और इस कंपनी के ये पहली बात नहीं है कि जब ऐसे वाकया हो रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इस तरीके से पकड़ा जा रहा है कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। इसके पहले भी बीएमसी ने इनका कैंसिल किया था टेंडर जो रोड कॉन्क्रीटाइजेशन के लिए साउथ मुंबई के लिए 1600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो कैंसिल किया था, और बीएमसी ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया था। बहरहाल इनको अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला था बांद्रावली सीलिंग पे मेंटेनेंस का एंड टोल कलेक्टिंग का एंड समृद्धि महामार्ग पे टोल कलेक्टिंग का, वो अभी जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। बिल्कुल सृष्टि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।